सार्थक भैया, एक लड़की है प्रीति नाम की, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसने मुझे कुछ टाइम पहले धोखा दे दिया और मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, और उसने मुझे कई बार रिजेक्ट भी किया है, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। अभी तो उसकी जिंदगी में उसका बॉयफ्रेंड कोई और बन गया है, लेकिन मैं उसे अभी भी पूरे दिल से चाहता हूँ। आखिर मेरा एक तरफा प्यार है और उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। तो सार्थक भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या करूँ कि वो मेरे पास वापस आ जाए? अरे बस इतनी सी बात है। अरे मेरे दोस्त, तुम्हें पता है जो तुम कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कर रहे हो। जैसे तुम उससे प्यार करते हो ना, यही प्यार को बरकरार रखो। उस लड़की को दिखाओ कि उस लड़की के जाने के बाद भी तुम उससे प्यार करते रहे। वो लड़की किसी और लड़की के साथ है कोई बात नहीं, लेकिन जब वो लड़का उसकी लाइफ से चला जाएगा ना भाई, तब जब वो देखेगी कि तुम आज भी उसका इंतजार कर रहे हो ना, तो मेरे दोस्त वो तुम्हारे प्यार देख के पागल हो जाएगी। उस लड़की को लगने लगेगा कि अरे मैं तो कितनी बेवकूफ थी, ये मुझसे इतना प्यार करता है और मैं उस लड़के के साथ थी। मेरी इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी, दूसरे लड़कों के सोने के बाद भी, आज भी ये लड़का मुझसे प्यार करता है। मेरे दोस्त, ये जब वो देखेगी ना, तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। भाई ये चीजें काम किया करती थी, एक समय था ये चीजें बहुत बढ़िया काम करती थी, लेकिन आज की डेट में ये जनरेशन जिस तरह से इवॉल्व हो गई है, लोगों की सोच बदल गई है, लोगों के विचार बदल गए हैं। तो भाई देखो, एक्चुअली होता क्या है ना, जो लड़की तुम्हें छोड़ के चली गई है, सबसे पहले उस लड़की को तुम्हें ये महसूस कराना बहुत जरूरी है कि उसके छोड़ के जाने से तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें ये चीज दिखानी चाहिए कि उस लड़की के जाने के बाद तुम इमोशनली डिवास्टेटेड यानी दिमाग से बर्बाद नहीं हुए हो, तुम्हारा दिल नहीं टूटा है। तो भाई अगर वो लड़की तुम्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है, तुमसे ब्रेकअप कर चुकी है ना, तो उस लड़की के साथ ना बात करनी बंद कर दो। मैंने जनरली देखा है, पता है लड़कियां तुमसे क्यों बात करनी चाहती होती है? ताकि उन्होंने, उन लड़कियों को पता होता है उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, लेकिन क्या होता है, लड़कियों को थोड़ा नाइस एक्ट करना होता है ताकि उन्हें खुद के लिए बुरा ना लगे कि मैं कितनी बुरी हूं। इसीलिए वो लड़कियां तुमसे बात करने की पूरी तरह से कोशिश करती रहेंगी ताकि वो गिल्ट फ्री हो सके, उन्हें ये चीज महसूस होने लगे कि उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज, उनसे बात करनी बिल्कुल बंद कर दो। अगर उन्हें बुरा नहीं लगेगा ना भाई कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो उन्हें तुम कभी नहीं सुधार पाओगे। तुम उससे बात करते करते ना अपना पूरा सिडक्शन खत्म कर रहे हो। वो लड़की वैसे भी तुम्हारी इज्जत तो करती नहीं है, तुम और बोल रहे हो कि आओ मेरी मारो। याद रखना, वो लड़की वापस तुम्हारे पास तब तक नहीं आएगी जब तक उसके मन में तुम्हें पाने की चाह वापस जागृत नहीं होगी। और उसे पाने की चाह तुम्हारे मन में कब आएगी? जब तुम उससे बात करनी बंद करोगे। और बहुत सारे लोंडो की प्रॉब्लम एक्चुअली पता है यही है कि वो सोचते हैं कि लड़की से बात करके कुछ ऐसा बोल देंगे, कोई ऐसा मैसेज भेज देंगे, उसे फाइनली कन्विंस कर देंगे हम लोग अपने पास वापस आने के लिए। तो ये जो तुम्हारा फोकस है ना लड़की को कॉन्टैक्ट करने पे, इसको ब्रेक करो। क्योंकि जब तक लड़की को तुम्हारा अटेंशन मिलना बंद नहीं होगा ना, तब तक उस लड़की को तुम्हारे अटेंशन की वैल्यू नहीं आएगी। क्योंकि तुम जैसे अपना अटेंशन बंद करोगे ना, तो दूसरे लड़के से मिलने वाला अटेंशन उसको ना फीका लगने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन कटने का बुरा उसको ज्यादा लगना चाहिए। अगर लड़की को ऐसा लगता है ना कि वो तुम्हें जब चाहे तब ले ले, तो भाई वो तुम्हें कभी नहीं उठाने वाली। और उस लड़की के मन में जो तुम्हें कूड़े की तरह लात मार के चली गई है, उसके मन में अगर तुम्हें जेलेसी क्रिएट करनी है ना मेरे दोस्त, तो तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ दिखना पड़ेगा। और इस बीच में अगर कोई लड़की तुम्हें कैजुअली डेट करने के लिए रेडी है ना, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहती, तो ब्रो वो तुम्हारी क्वीन है। वो लड़की तुम्हें वो लड़की जरूर दिलवा सकती है जो तुम्हें छोड़ के चली गई है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, उस लड़की के जाने के बाद अगर तुम ये दिखाओगे ना कि तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो वो लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। इसलिए लड़की को दिखाओ कि तुम इजीली मूव ऑन हो चुके हो, इससे लड़की को वर्थलेस फील होगा। और जब वो लड़की तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखेगी, तो जेलेसी की वजह से उसे फील होगा कि ओ माय गॉड, दूसरी लड़कियां इसे आज भी अट्रैक्टिव समझती हैं, इसका मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यू है। मेरे दोस्त, ये बहुत ज्यादा डार्क रिवर्स साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन है, इसीलिए इसे ध्यान से खेलिएगा। तो चाहे जो जाए, उस लड़की के सामने कभी भी ये मत दिखाना कि तुम आज भी उससे प्यार करते हो। भले ही तुम उसके आमने सामने खड़े हो, तुम्हारी गांव फटी जा रही है, तुम्हें अंदर से रोना आ रहा है, लेकिन अपना प्यार और ऑकवर्डनेस मत दिखाना। बिल्कुल कूल, काम एंड कलेक्टिव रहना, जैसे तुम्हें कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, जैसे तुम्हें उस लड़की से कभी कोई लेना देना था ही नहीं, मानो फीलिंग्स नाम की तो कभी कोई चीज तुम्हारे मन में उस लड़की के लिए थी ही नहीं। ऐसा दिखाओ कि वो लड़की अभी भी सोच रही है, लेकिन तुम उससे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। लेकिन याद रखना, इस दौरान तुम्हें लड़की को कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है। ये सिलसिला भाई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी चल सकता है।
सकता है। अभी तक तो प्यार कर ही रहे थे ना, लेकिन मेरे दोस्त अगर तुम फिर भी लड़की को सामने से कॉन्टैक्ट करोगे ना, अरे प्रीति चलो ना यार प्लीज, अब बहुत हो गए खेल भाई। भाई सुनो, ये गलती तो कभी भी मत करना, तुम्हारी ये सब ट्रिक्स फेल हो जाएंगी, तुमने जितना टाइम लगाया सब बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने लड़की को सामने से कॉन्टैक्ट इनिशिएट किया। इसीलिए जिस दिन लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाए, ठीक उस दिन से तुम्हारे अंदर खुद को हर तरह से इम्प्रूव करने की ज्वाला जाग जानी चाहिए। याद रखना, तुम्हें उस लड़की को और खुद को हिला देना है कि भाई ये सब क्या हो गया, मैं इसे छोड़ के क्या चली गई, ये हर तरह से इम्प्रूव हो गया। और ये चीज तुम्हें शायद तब तक करनी पड़े जब तक उस लड़की के मन में ना ये थॉट ना आ जाए कि यार ये तो अचानक से ग्रो हो गया, कहीं इसकी जिंदगी में ग्रोथ का सबसे बड़ी अड़चन मैं ही तो नहीं थी। ऐसे खेलना है तुम्हें, अपने आप को कांस्टेंट अपग्रेडेशन में डालना ही डालना है, और तुम्हें खुद को इतना मिराकुलसली इंप्रूव करना है कि भाई साहब उस लड़की के पास तुम्हारी तरक्की के गुणगान पहुंचने ही पहुंचने चाहिए, फिर चाहे वो उसकी सहेली हो या तुम्हारा दोस्त। मतलब तुम्हारी सक्सेस इस लेवल की होनी चाहिए कि मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, उस दिन उस लड़की के इंस्टाग्राम पे सारी स्टोरीज यही होनी चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन सार्थक, समझे? क्योंकि मेरे दोस्त जब तक तुम अपनी औकात उतनी नहीं बढ़ा दोगे ना जितनी उस लड़की ने सोची थी, और जब तक तुम उस लेवल को क्रॉस नहीं करोगे ना भाई, तब तक लड़की के मन में तुम्हारे लिए डिजायर नहीं बनेगी। क्योंकि याद रखना, जब तक उस लड़की के मन में तुम्हें लेके डिजायर नहीं क्रिएट होगा ना, तब तक अट्रैक्शन नहीं बनेगा। और डिजायर कब बनती है? जब वो लड़की के सामने कुछ ऐसी चीज होती है जो उसे नहीं मिल सकती। इसीलिए बोल रहा हूँ कि उस लड़की को ये दिखाना बंद कर दो कि तुम उससे प्यार करते हो, अंदर से मरे भी जा रहे होगे ना भाई, तो उस लड़की को कॉल मैसेज नहीं करना है, अपने दोस्तों से नहीं पूछना है कि पूजा कैसी है, क्योंकि याद रखना तुम्हारा वही दलाल दोस्त लड़की के पास जाके बोल देगा सार्थक ने पूछ रहा था तुम कैसी हो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, इन छोटी छोटी गलतियों से तुम्हारा पूरा खेल बर्बाद हो सकता है। और कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे सबके सामने नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने एक टेलीग्राम पे एक सीक्रेट चैनल बनाया भाई, जहां पे थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लिसिट सेडक्शन की बातें होती हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ मैं दिन रात मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, टॉप से टॉप लड़की कैसे पटनी है उस चक्कर में, और तुम भोसड़ी के एक ऐसी लड़की के लिए मरे जा रहे हो जो लिटरली तुम्हें वैल्यू नहीं करती है। और मैं तुम्हें ये मास्टर प्लान इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़की के डेस्परेशन में तुम खुद को इम्प्रूव कर लो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी ऐसे इंसान को प्यार करते हैं जो हमसे प्यार नहीं करता है ना, तो हमें बहुत ही ज्यादा वर्थलेस ऐसा लगता है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये फील ना हो तुम्हें और तुम्हें कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील हो ना, बस इसीलिए मैं तुम्हें दो कौड़ी के नुस्खे दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम इसीलिए तरक्की करो कि उस लड़की को लगे तो सही कि जिस लड़के को मैंने बिना रीजन के छोड़ दिया था, उस लड़के ने मुझे रीजन दे दिया कि मुझे उसे क्यों नहीं छोड़ना चाहिए था। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, ऐसे ही मैंने अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड को पटा लिया, लेकिन वो जैसे ही मेरी जिंदगी में आई ना, ब्रो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, मेरे मन में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो खत्म हो ही चुकी थी। मतलब उसके ना आने से मैं ज्यादा खुश था उसके आने के बाद। इसीलिए मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम नई लड़कियों से जाके बात करना सीखो। मैं भोसड़ी के दिन रात एक कर देता हूँ तुम लोगों को ये चीजें सिखाने में, और फिर भी वो लड़की तुम्हारे दिमाग में एक मैल की तरह आज भी अटकी हुई है। याद रखना, जब तक वो लड़की तुम्हारे दिमाग में फंसी रहेगी ना, ये जो तुम्हारे अंदर की ईगो जो वो लड़की डिस्ट्रॉय करके गई है ना भाई, जब तक तुम्हारा दिमाग उस लड़की फोकस रहेगा ना भाई, तब तक तुम्हारे दिमाग में नए विचार नहीं आएंगे। और जब तक तुम्हारे दिमाग में नए तरक्की भरे विचार नहीं आएंगे ना, तब तक भाई मेरा देश नहीं बदलेगा। भाई जब तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, वहां वो लड़की किसी और को दे रही है, और तुम आज भी फिर भी तुमको चाहूं वाला चूतियापा कर रहे हो। और मैं सही बता रहा हूं, ये जो लौंडे है ना भाई, ये दो दो साल पुरानी तीन तीन महीने गई हुई लड़कियों के बारे में आज भी सोच रहे हैं, भाई मुझे लगता है तुमने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ उखाड़ा ही नहीं है जिससे तुम्हें खुद की वैल्यू महसूस हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी औकात क्या है। और मतलब ऐसी लड़की जो गली के चार चक्कर लगा के वापस आ भी गई है ना, वो पता नहीं तुम लोग एक्सेप्ट कैसे कर लेते हो। भाई साहब तुम लोग की खुद की कोई इज्जत नहीं है क्या? भाई मैंने अपनी जिंदगी में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां जिनसे मैं बहुत प्यार करता था ना, मैंने लिटरली उन लड़कियों को खुद भगाया है जब उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, क्योंकि मुझे पता है मैं इसे अभी एक्सेप्ट कर लूंगा ना तो भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ स्टीम तहस नहस हो जाएगी। हाँ मैं मानता हूँ प्यार इतना बेवकूफ बना देता है कि तुम बोलती हो चलो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, आखिर क्या करूँ मैं तुम्हारे बिना नहीं
रह सकता हूँ, मैं अपने इमोशंस का गुलाम हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, भले ही तुम किसी और के साथ सो के आ गई। लेकिन आखिरकार तुम्हें फाइनली ये रियलाइज हुआ कि तुम्हें मेरे से ज्यादा कोई नहीं प्यार करता। और मेरी बात मानना, जो लड़की तुम्हें इस तरह से डंप करके चली गई है, इसके पीछे मत पड़ो दोस्त। मुझे लगता है उसका जाना शायद तुम्हें मैच्योर बनाने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि जब आगे चल के तुम्हारी जिंदगी में एक एक्चुअल रियल वैल्यू हाई क्वालिटी वुमेन आएगी ना, तो तुम्हें उससे डील करना आएगा विद मैच्योरिटी, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हाउ टू बी अ मैन, अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, हाउ टू मेक अ गर्ल एंड कीप हर अट्रैक्टेड टू यू। तुम्हें पता है तुम क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे, क्योंकि तुम्हें ना भाई खुद पे भरोसा ही नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता ही नहीं है, तुम्हें इस चीज पे कभी विश्वास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारी खुद की नजरों में वैल्यू इतनी कम है कि तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में कितनी सारी सुंदर लड़कियां एक्चुअली तुम्हारे सामने सबमिसिव बिहेव करेंगी, तुम्हारे प्यार की कदर करेंगी, जितना तुम उन्हें नहीं चाहोगे वो लड़कियां तुम्हें चाहेंगी। ये चीज तुम्हारे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर पावर है ही नहीं लड़कियों से दूर जाने की। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की का बिहेवियर कैसा है, लड़की कैसी है, अगर लड़की सुंदर है तुम उससे प्यार करते हो ना, तो भले ही वो तुम्हारी गांड भी मारते रहे, फिर भी तुम बोलोगे नहीं पूजा तुम मेरे साथ रहो, मैं अंदर से मर रहूंगा तरस रहूंगा, लेकिन एक बार जो लड़की मुझे छोड़ के चली गई ना, वो मेरे लिए मर गई। क्योंकि अगर उस लड़की के मन में मुझे छोड़ के जाने का थॉट आ सकता है ना, इसका मतलब वो एक्चुअली मेरे लिए कभी मेरी थी ही नहीं। और ऐसी लड़की को वापस लेने से ना भाई, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, वो रिलेशनशिप ना एक एहसान लग जाता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया, या वो लड़की फील करती है मैंने इसके ऊपर एहसान किया है, वो रिलेशनशिप में ना वो रिस्पेक्ट गायब हो चुकी होती है। स्पेशली अगर वो लड़की तुम्हें छोड़ के गई थी ना भाई, तब तो ब्रो प्लीज समझो मेरी बात, तुम्हारी जो ईगो है ना, जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस ईगो, ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है भाई ईगो, तुम्हें पता है इसको अगर तुम अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर दो, गलती से अगर तुमने जोड़ दिया ना कि भाई मैं उस लड़की को रियलाइज कराऊंगा कि उसने क्या खोया है, अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में घुस गई तो तुम भाई कहां पहुंच सकते हो, मैं तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं दे सकता हूं, इस चीज का अंदाजा बस और बस तुम्हारी ईगो लगा सकती है। क्योंकि एक फैक्ट मैं तुमसे नहीं छुपाना चाहता मेरे दोस्त, ऐसी लड़कियों को जब तुम वापस ले लेते हो ना जो कहीं और से आई है भाई, तुम्हें पता है मैं तुम्हें गारंटी दूंगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें लड़की कैसे पानी है वो बता चुका हूँ ना, वो लड़की को तुम आ जाने दो, और मैं तुम्हें वापस गारंटी देता हूँ कि ये जो पैटर्न है ना उसे तुम्हें कूड़े की तरह लात मार के जाने का, वो लड़की ये पैटर्न फिर से रिपीट करेगी। क्योंकि अब वो चीज ना लड़की के लिए हो गया, अरे इतना तो चलता है यार, ये तो मुझे फिर भी एक्सेप्ट करता रहेगा क्योंकि मेरे प्यार में अंधा है, चलो इसी चीज का फायदा तो उठा लूं, और बोलेगी और ऋषभ आओ, जस्ट अ जोक ब्रो। और हाँ, हो सकता है वो एक दूसरे लड़की के साथ चली जाए, एक टॉक्सिक लड़का जो बैड बॉय हो, जो उसे इमोशंस देता हो, वो उस लड़की के पास चली जाए, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो लड़का भी ना उसको GPL दे देगा, वो लड़का उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आज उसने आपको किया है, और तब वो लड़की आपके दरवाजे जरूर खटखटाएगी मेरे दोस्त, क्योंकि इस समय उस लड़की की जिंदगी में उस लड़की को वापस खुश कराने वाला कोई नहीं है, और सिर्फ आप वो बंदर हो जो उसे ठीक महसूस करा पाओगे, आप उसे वापस वैलिडेशन दोगे, आप उसके आंसू पोंछ के बोलोगे कि प्रीति कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें समझ आ गया ना कि मैं ही था तुम्हारा सच्चा आशिक, और तुम वापस गले लगा लोगे और इस तरह से वो लड़की अपने लोनलीनेस, डिप्रेशन, सब चीजों से भाग के अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए तुम्हारे पास आ जाएगी, और इन सब चीजों का जो उसने तुम्हें छोड़ने के बाद जो मचांड किए हैं, वो चीजें बिल्कुल उसके दिमाग से गायब हो जाएंगी जब तुम उसे फिर भी बेवकूफों की तरह वो प्यार देते रहोगे, और वो लड़की तुम्हारा फायदा उठाती रहेगी। बस जो लड़की तुम्हें हर्ट करके चली गई है, उस लड़की को सैटिस्फैक्शन देने के लिए कभी भी बात नहीं करनी, पीरियड। आप सोचोगे एक ही तो जिंदगी है, माफ कर देते हैं, हम भी अपना प्यार पा लेंगे, लेकिन ये चीज आपकी ही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। तो भाई, अगर मैं इस सब चीजों को बिल्कुल कंक्लूड करके आपको एक थाली में परोसूं ना पूरी बात, तो वो ये है कि उस लड़की को वापस नहीं लेना है, अपने ऊपर इतनी तरक्की करनी है कि उस लड़की को तुमसे अच्छा लड़का ना मिल पाए, या अगर उसके पास कोई लड़का हो भी तो वो तुमसे अच्छा ना हो। इसीलिए तरक्की तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जानी चाहिए। तरक्की करने के लिए तुम्हें जो रास्ता दिख रहा है वो रास्ता अपनाओ। कोई सर्टिफिकेशन है, जिम जाओ, अपनी ग्रूमिंग पे काम करो, ड्रेसिंग पे काम करो, चाहे हर एक चीज जिसमें तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, हर एक सेगमेंट, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, एक एक चीज को
उठा के फेंक दो। बस अपने मन में ठान लो कि मुझे इस दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी बनना है। और इसीलिए अगर तुम बस ये सीखना चाहते हो कि लड़कियों को अट्रैक्ट कैसे करना है तो ये वाला वीडियो देख लो। और अगर तुम सीखना चाहते हो कि तुम्हें अपना बिहेवियर लड़कियों की तरफ कैसे रखना है तो ये वाला वीडियो देख लेना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, नोटिफिकेशन वाली बेल दबा देना, क्योंकि कई बार मेरे वीडियोस के टॉपिक्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि YouTube खुद उनका नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय। She doesn't deserve what I will become.